हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कार्स। आज हमारे सामने है मिडिल क्लास फैमिली का सेडान का सपना पूरा करने वाली सबसे वैल्यू फॉर मनी कार का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, ये है मारुति सुजुकी डिजायर का VXI वेरिएंट। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी डिजायर के VXI वेरिएंट के बाहर और अंदर के सारे फीचर्स के बारे में, और आज की जो वीडियो होगी ये है इसकी डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो। तो चलिए वीडियो में देर ना करते हुए शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल में आपको सबसे पहले देखना मिल जाता है सुजुकी का लोगो। इसके साथ इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है उसमें आपको काफी क्रोम का यूज देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं VXI जो वेरिएंट है ये इसका सेकंड बेस मॉडल है, इसमें भी आपको भरपूर आपको क्रोम का फिनिश देखने को मिल जाती है। इसी के साथ जो यहाँ पर आपको रेडिएटर ग्रिल दी गई है ये भी काफी बिग ओपनिंग के साथ दी गई है ताकि जो एयर का फ्लो है वो काफी अच्छी तरह होता रहे। इसके साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेडलाइट्स यूनिट भी देखने को मिल जाती है। हेडलाइट्स यूनिट में आपको रिफ्लेक्टिंग टाइप हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर रिप्लेसिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग बल्ब देखने को मिल जाता है। इसके बाद बात करें इसके फोग लैंप्स की तो यहाँ पर आपको क्रोम की गार्निश देखने को मिल जाती है और साथ ही यहाँ पर आपको फोग लैंप्स हाउसिंग देखने को मिलेगी जिसमें आपको कोई भी फोग लैंप्स की इंस्टॉलेशन नहीं देखने को मिलेगी। ये आप आफ्टर मार्केट या मारुति सुजुकी की जनरल नेसेसरी से लगवा सकते हैं। कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर पूरा फ्रंट ओवरलुक देखने को मिल जाता है। इसके साथ बात करें इसके इंजन की तो यहाँ पर आपको वेरी रिफाइंड 1.2 लीटर नेचुरल एक्सपायरेटेड फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। और आप देख सकते हैं ये इसका इंजन भी है, इसका बोनेट हमने ओपन किया है तो यहाँ पर आपको इंजन के नीचे पूरा इंजन गार्ड देखने को मिल जाता है। अंडर बॉडी आपको कवर देखने को मिलेगा जिससे कि अगर आप कहीं भी पथरीली जगह में जाते हैं या आपको कहीं पानी में से आपको गाड़ी पास करनी पड़ती है तो आपके इंजन को ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं पूरा आपको नीचे यहाँ पर अंडरबॉडी गार्ड देखने मिल जाता है। इसी साथ अगर हमने इंजन की बात करें तो हम इसके बात कर लेते हैं इसके पावर फिगर्स की। तो अगर हम बात करें इसके पावर फिगर्स की तो पेट्रोल में ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 89 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क। इसके साथ माइलेज की बात करें तो 23.26 KMPL के माइलेज AI के द्वारा यहाँ पर क्लेम की जाती है। इसके साथ बात करें इसके CNG ऑप्शन की तो CNG आपको जो ऑप्शन है यहाँ पर दो ही वेरिएंट्स में उपलब्ध रहेगा, VXI और ZXI। CNG में जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 76 BHP की पावर और 98.5 Nm का टॉर्क। और साथ ही माइलेज की बात करें तो यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है 31 km/kg ऑफ CNG यहाँ पर कंपनी द्वारा क्लेम की जाती है। तो अगर हम देखें कि फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से आप देख सकते हैं 31 km की माइलेज, मतलब अगर आप लगा के चलें कि 100 रुपये KG अगर आपकी CNG है तो यहाँ पर आपको लगभग 3 रुपये/km का खर्चा आता है। लेकिन अगर हमने ये मैक्सिमम रेट लिए हैं क्योंकि हरियाणा में जो है हिसार के आसपास के एरिया में यहाँ पर 100 रुपये लगभग CNG पहुँच चुकी है तो यहाँ पर आपको 3 रुपये/km यहाँ पर कॉस्ट आएगी। तो इस हिसाब से अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो काफ़ी इकोनॉमी की गाड़ी बन जाती है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। इसके साथ बात करें इसके वेरियंट्स की तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में टोटल 4 वेरियंट्स देखने को मिलते हैं, LXI, VXI, ZXI एंड ZXI प्लस। और साथ ही बात करें इसे CNG ऑप्शन की तो CNG ऑप्शन आपको सिर्फ दो ही वेरिएंट्स में देखने को मिलेंगे, VXI एंड ZXI। तो जो इसके एक्सोरूम प्राइस है, LXI वेरिएंट आपको स्टार्ट होता है 6.24 लाख से और ZXI प्लस वेरिएंट जो है वो आपको 9.17 लाख एक्सोरूम प्राइस पर ऑफर किया जाता है। इसके साथ बात करें इसे CNG ऑप्शन की तो VXI वेरिएंट आपको ऑफर किया जाता है 8.23 लाख में और ZXI वेरिएंट आपको ऑफर किया जाता है 8.91 लाख में। तो ये थे हमारे एक्सोरूम प्राइस। इसी के साथ बात करें इसके गियरबॉक्स की तो जो मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स है वो आपको सभी वेरिएंट्स में ऑफर किए जाते हैं, साथ ही इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाता है जो कि सिर्फ आपको जो बेस मॉडल है वहां पर ऑफर नहीं किया जाता, साथ ही जो इसके CNG वेरिएंट्स हैं वहां पर ऑफर नहीं किया जाता। लेकिन जो पेट्रोल के VXI, ZXI और ZXI वेरिएंट्स है वहां पर आपको तीनों में ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बोनेट में पूरा इंजन इंसुलेशन कवर देखने को मिल जाता है जिससे कि आपकी जो इंजन की नॉइस है वो आपको कैबिन में ज्यादा सुनाई नहीं देती। इसके साथ चलते हैं इसे साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में आप सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 14 इंच का टायर साइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं 165, 80 और 14 का यहाँ पर आपको टायर साइज ऑफर किया गया है। VXI वेरियंट में आपको एलो व्हील ऑफर नहीं किए गए लेकिन ZXI और ZXI प्लस में आपको एलो व्हील देखने मिल जाते हैं। साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके ORVM की तो ORVM आपको बॉडी कलर देखने को मिलेगा, साथ ही यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर की माउंटिंग देखने को मिलती है और ये जो ORVM है आपको इलेक्ट्रिकली
कंट्रोल देखना मिलेगा अंदर से ही। इसी के साथ बात करें इसके डोर हैंडल की, तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर ग्रैब टाइप डोर हैंडल देखना मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर ओपन किया गया है। इसी के साथ बात करें इसके डोर्स की, तो यहाँ पर आपको जो बी पिलर है वो आपको ब्लैक आउट देखना मिलेगा, ए और सी पिलर आपको दोनों व्हाइटिस देखना मिलेंगे। इसी के साथ चलें इसके पीछे के दरवाजे की तरफ, तो आप देख सकते हैं पीछे का दरवाजा भी काफी इसमें ब्रॉड दिया गया है, जिससे कि जो पीछे का एनवायरनमेंट है वो आपको बिल्कुल एरियरी फील होता है। इसी के साथ चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर प्रोफाइल में आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखना मिल जाता है सिंपल आपको एंटीना देखना मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप देखना मिल जाता है। नीचे आपको सुजुकी का लोगो और यहाँ पर आपको डिजायर की बैजिंग देखना मिलेगी। इसी के साथ VXI वेरिएंट में आप देख सकते हैं क्रोम का यूज देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बोल्ड क्रोम की बार देखने मिल जाती है पूरी, जो कि इसके जो रियर का लुक है उसको काफी इंक्रीज करती है। यहाँ पर आपको रिवर्स का जो बल्ब है वो देखना मिलेगा, रिवर्स लाइट यहाँ पर देखने मिलेगी। यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर की फ्लैशिंग देखने मिल जाती है। इसके साथ इसमें आपको डिफ्यूज्ड आपको LED लाइट दी गई है, जो कि ऑल द टाइम ऑन रहती है, जिससे कि गाड़ी की जो बैक प्रोफाइल है वो काफी अट्रैक्टिव लगती है। इसी के साथ यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट को इंस्टॉल करने की जगह दी गई है। नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 4-point पार्किंग सेंसर देखने मिल जाते हैं, और इसी के नीचे आपको कन्वेंशनल यहाँ पर रियर रिफ्लेक्टर्स देखने मिलेंगे, कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं। बूट स्पेस को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक स्विच दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्विच देखने मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 2 रजिस्ट्रेशन प्लेट की लाइट देखने मिलती है। इसी के साथ बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी डीप आपको बूट स्पेस देखने मिल जाता है। बूट स्पेस के नीचे आपको यहाँ पर स्पेयर टायर की प्लेसिंग देखने मिलेगी, और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बूट स्पेस में इल्यूमिनेशन की, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लगेज के लिए लाइट भी ऑफर की गई है। मारुति सुजुकी डिजायर में आपको 378 लीटर का काफी बड़ा बूट स्पेस यहाँ पर ऑफर किया गया है। इसी साथ आप देखेंगे तो पूरा जो आपका बूट स्पेस है ये ब्लैकआउट है, जिससे कि ज्यादा मैला होने का यहाँ पर दिक्कत नहीं आती। मतलब आप सामान कैरी करते हैं तो ज्यादा यहाँ पर कपड़ा आपका जो अपोइजरी है ये ज्यादा मैली नहीं होगी, जिसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस भी काफी आसान है। इसी के साथ जो एक सबसे डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है इस गाड़ी का वो है यहाँ का इंसुलेशन कवर। मारुति सुजुकी ने कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ से जो इंसुलेशन कवर था वो भी हटा दिया, जिसकी वजह से यहाँ का जो ये सिस्टम है सारी जो वायरिंग है वो आपको ओपनली दिखाई देती है, जो कि देखने में सबसे अजीब लगती है। मारुति सुजुकी को कॉस्ट कटिंग करनी थी तो कहीं और से कर लेती, लेकिन यहाँ से जो मारुति सुजुकी ने कॉस्ट कटिंग की ये सबसे बेकार लगता है। लेकिन चलो, इसमें जो चीजें दी है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, तो इस चीज को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं इसके फ्यूल कैप की, यहाँ पर आपको राउंड शेप में फ्यूल कैप देखने मिल जाता है, और इसी के अंदर आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने मिल जाती है। बात करें इसके फ्यूल रेंज की, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 37 × 23 के आप माइलेज लगा के चलते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 650 लीटर की आपको यहाँ पर फ्यूल रेंज देखने मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं एक ही ट्रिप आपकी कितनी लंबी हो सकती है अगर आप एक फ्यूल टैंक करवाते हैं, तो आपको यहाँ पर 650 किलोमीटर की आपको यहाँ पर फ्यूल रेंज देखने मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। डायमेंशन वाइज बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी में काफी लेंथ वाइज काफी बड़ी आपको ये गाड़ी नजर आती है। तो इसकी ओवरऑल लेंथ आपको 3995 mm की यहाँ पर आपको लेंथ देखने मिल जाती है। इसके साथ बात करें इसकी विड्थ की, अगर आप फ्रंट फेसेस देखते हैं तो इसकी विड्थ आपको काफी ज्यादा महसूस होती है, जबकि इसकी विड्थ है 1735 mm। इसके बाद बात करें इसके हाइट की, सेडान क्लास कार है तो ज्यादा हाइट की आप इसमें अपेक्षा भी नहीं रख सकते, तो यहाँ पर आपको 1515 mm की हाइट देखने मिल जाती है। इसके बाद जो इसका सबसे मेन एडवांटेज आता है कि यहाँ पर आपको व्हील बेस जो आपका इसमें मिलता है वो आपको मिलता है इसमें 2450 mm का व्हील बेस। जो इस 2450 mm का जो व्हील बेस है ये आपको काफी अच्छा देखने मिल जाता है। इसका जो फर्क है वो आपको मैं आपको जब इंटीरियर करेंगे तब आपको दिखाऊंगा कि इसका जो फर्क है वो आपको कहाँ देखने मिलता है। इसके बाद बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में थोड़ी सी गाड़ी मार खा जाती है, 163 mm का यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है। तो ये थे कुछ इसकी डायमेंशंस, और अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर में चलने से पहले सबसे हम पहले बात करते हैं इसके चाबी की,
तो इस वारंटी के साथ आपको कुछ इस टाइप की दो रिमोट कीज ऑफर की जाती है, जिसमें आपको लॉक एंड अनलॉक के स्विच देखने मिल जाते हैं, और दोनों आपको रिमोट कीज यहाँ पर ऑफर की जाती है, जिसके पीछे आपको सुजुकी का लोगो देखना मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की। तो ड्राइवर साइड डोर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने मिल जाता है, ऊपर आपको पूरा ब्लैक की फिनिश देखने मिलेगी और नीचे आपको बीज कलर का कॉम्बिनेशन देखने मिल जाता है, मतलब पूरा इंटीरियर आपको ब्लैक एंड बीज के कॉम्बिनेशन में देखने मिलेगा। अगर हम बात करें ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम डोर हैंडल आपको देखने मिल जाता है डोर को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर आपको ORVM के कंट्रोल्स देखने मिलेंगे, यहाँ से आप वन टच मिरर को फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी लेफ्ट राइट की सेटिंग कर सकते हैं। इसके साथ बात करते हैं इसके पावर विंडोज की, तो यहाँ पर आपको चारों पावर विंडोज के ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, साइड साथ में जो ड्राइवर साइड डोर है वो आपको ऑटो अप एंड डाउन के ऑप्शन के साथ मिलता है। इसके साथ यहाँ पर आपको सेंट्रली लॉक एंड अनलॉक करने की पूरा यहाँ पर सिस्टम देखने मिल जाता है, और यहाँ पर आपको पावर विंडोज को लॉक करने के बटन देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा आपको फैब्रिक की कुशनिंग देखने मिलती है, जो कि इस VXI वेरिएंट के लिए काफी एक एडवांटेज है, मतलब और जो गाड़ियां होती है जिनमें आपको जो बेस से सेकंड मॉडल वहां पे आपको ये इस टाइप की कुशनिंग देखने नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर भी कुशनिंग ऑफर की गई है। इसके साथ यहाँ पर आपको कुछ टॉय स्पेस देखने मिल जाता है, यहाँ पर आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पर आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर देखने मिलता है। तो इस टाइप का पूरा आपको यहाँ पर ड्राइवर डोर देखने मिल जाता है। इसके साथ चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दो बड़े बड़े यहाँ पर मीटर देखने मिलेंगे, इसमें यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और यहाँ पर आपको टैकोमीटर ऑफर किया गया है। इसके साथ यहाँ पर आपको जो छोटी सी MID दी गई है, इसमें भी काफी आपको इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो हमारा फ्यूल है उसकी रीडिंग देखने मिलेगी, कितना फ्यूल इसमें बचा हुआ है। इसके साथ यहाँ पर आपको माइलेज वगैरह देखने मिलेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एवरेज देखने मिलेगी, और यहाँ पर आपको फ्यूल की रेंज देखने मिल जाती है, ऊपर आपको टाइम देखने मिलेगा। इसके साथ इस एरिया में आपको पूरा जो हमारी वार्निंग लाइट है उसकी प्लेसिंग देखने मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफी अट्रैक्टिव लगता है सामने से। इसके साथ इसमें जो आपको मैक्सिमम स्पीड मिलती है वो 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने मिल जाती है, और 8000 यहाँ पर आपको RPM देखने मिल जाते हैं। इसके साथ बात करें इसके स्टेयरिंग व्हील की, तो स्टेयरिंग व्हील आपको डी कट शेप का स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर ऑफर किया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने मिल जाते हैं ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर आपको म्यूट का स्विच देखने मिलेगा। इसके साथ नीचे यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल स्विच दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने मिलेगा, और यहाँ पर आपको फोन को कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। इसके बाद बात करें इसके सेंटर की, तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो और यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिश देखने मिल जाती है, जो कि काफी इंटीरियर को अट्रैक्टिव बनाती है। साथ ही यहाँ पर आपको हॉर्न की प्लेसिंग देखने मिलेगी। इसके साथ ड्राइवर साइड के लिए जो एयर बैग है उसकी प्लेसिंग भी आपको यहीं पर देखने मिलेगी। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग में जो आपको सेटिंग्स दी गई है, यहाँ पर आपको टिल्ट आपको यहाँ पर सेटिंग दी गई है, इसको आप अपने हाइट के अनुसार अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोपिक यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके साथ यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल स्विच देखने मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको लाइट के कंट्रोल स्विच देखने मिल जाते हैं, और इंडिकेटर के स्विच भी यहीं पर देखने मिलेंगे। इस टाइप का पूरा आपको यहाँ पर जो स्टेयरिंग व्हील है वो आपको देखने मिलता है। इसके साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ड्राइवर साइड के लिए AC वेंट, यहाँ पर आपको इस AC वेंट को बंद और चालू करने के लिए पूरा यहाँ पर स्विच दिया है, जो कंट्रोल स्विच है वो देखने में मिल जाता है। इसके बाद नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको हेडलाइट के लेवलर स्विच देखने मिल जाता है, 5 लेवल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच देखने मिल जाता है। अब आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच क्या है कि अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी है, 5 सेकंड के लिए आपने अपनी गाड़ी को ऑन रखा है, तो आपकी गाड़ी अपने आप ऑफ हो जाएगी, मतलब आपका इंजन जो है अपने आप ऑफ हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी क्लच को प्रेस करेंगे तो आपका इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है कि हमारी जो फ्यूल की इकोनॉमी है वो बढ़ती है, फ्यूल जो एवरेज देता है वो भी ज्यादा देता है, और साथ ही जो पोल्यूशन है वो भी कम होता है। तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, और साथ ही हमारी गाड़ी के लिए और हमारी फ्यूल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। तो जो मारुति ने जो 23 किलोमीटर की एवरेज की जो क्लेम की है वो इसी हिसाब से की है कि यहाँ पर जो आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच दिया गया है ये फ्यूल की इकोनॉमी को बढ़ाता है। इसके साथ बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड आपको कंप्लीट यहाँ पर प्लास्टिक में देखना मिलेगा। डैशबोर्ड आपको जो ऊपर का सरफेस देखना मिलता है ये आपको ब्लैक की देखना मिलेगा, नीचे का आपको पूरा यहाँ पर बीज कलर में देखना मिलता है। इसके साथ बात करें इसके AC वेंट्स की, तो AC वेंट्स के साइड में आप देख सकते हैं सिल्वर फिनिश दी गई है, मैटी फिनिश यहाँ पर आपको ऑफर की गई, जो कि इसके इंटीरियर को काफी अट्रैक्टिव बनाती है, और साथ ही यहाँ पर आपको 1000 लाइट का स्विच देखना मिलता है।
इसके बाद बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ टच रिस्पॉन्सिव आपको बटन देखना मिलेंगे, ज्यादा आपको पूरा यहाँ पर टच रिस्पॉन्सिव आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं देखना मिलेगा। इसी साथ छोटी सी आपको यहाँ पर स्क्रीन देखना मिल जाती है, और जो ये जो यहाँ पर बटन दिए गए हैं ये भी आपको टच रिस्पॉन्सिव देखने मिलेंगे। लेकिन जो इसकी पूरी फिनिश है ये आप देख सकते हैं कि कंप्लीट आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने मिलती है, जो कि काफी अट्रैक्टिव बनाती है इसके इंटीरियर को। इसी साथ जो इसमें लाइटिंग की गई है आप देख सकते हैं ब्लू कलर की यहाँ पर आपको लाइटिंग देखने मिलेगी, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगती है। इसके नीचे आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मैनुअल एसी के कंट्रोल देखने मिल जाते हैं। जो ये जो स्विच है ये मारुति की हर गाड़ी में शेयर होती है, तो यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा अलग देखने नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो है मैनुअल स्विच है आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। इसके बाद नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइप का, और यहाँ पर आपको ऑक्स एंड यूएसबी की कनेक्टिविटी देखने मिल जाती है। इसके नीचे आपको स्टोरेज स्पेस देखने मिलेगा, कुछ भी आप सामान यहाँ पर रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स देखने मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ऑफर किया गया है, तो उसका नोब आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर आपको सराउंडिंग में पूरी सिल्वर मैटी फिनिश की देखने मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस देखने मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्रोम टिप के साथ जो हमारा हैंड ब्रेक है वो देखने मिल जाता है। इसके साथ बात करें इसके ग्लव बॉक्स की, यहाँ पर आपको डिसेंट स्टोरेज स्पेस के साथ ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है। इसके बाद इसके इंटीरियर को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर आपको वुडन फिनिश यहाँ पर ऑफर की गई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें इसके IRVM की, तो यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ IRVM ऑफर किया गया है, और साथ ही बात करें इसे सन प्रोटेक्टर की, तो यहाँ पर आपको कोई भी ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। हम चेक कर लेते हैं को पैसेंजर साइड में आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको जो कैबिन लाइट ऑफर की गई ये भी आपको येलो ऑफर की गई है हैलोजन में, और यहाँ पर आपको 2 माइक देखने को मिल जाते हैं। अगर आपका फोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट है तो यहाँ से आपकी वॉइस है वो रिसीवर तक जाएगी। इसके बाद को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पर एक हैंडल देखने को मिल जाते हैं, तो कुछ इस टाइप का पूरा आपको यहाँ पर इंटीरियर देखने को मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी से बाहर, अब हम आ गए हैं गाड़ी से बाहर, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सीटिंग कंफर्ट की। तो सीटिंग कंफर्ट अभी जैसे मैं बैठा था तो मैंने महसूस किया कि बहुत ज्यादा कंफर्ट आपको यहाँ पर सीट में दिया गया है, मतलब अंडर थाई स्पोर्ट भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर दिया गया है। साथ ही जो इसकी सीट है इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन देखना मिल जाता है, जिसको आप अपनी हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छा फीचर दिया गया है। साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर सीटों में हर सीट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने मिल जाते हैं, तो ये भी काफी अच्छे फीचर्स यहाँ पर आपको ऑफर किए गए हैं। मतलब एक सेडान क्लास कार में जो हर पर्सन जो है वो चाहता है कि हमें कुछ लग्जरी फीचर्स मिले, तो यहाँ पर वो सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाए गए हैं। इसी सब बात करें यहाँ पर आपको बूट ओपनिंग के लिए बटन देखना मिलेगा, और यहाँ पर आपको फ्यूल कैप की ओपनिंग के लिए स्विच देखने मिल जाते हैं। नीचे आपको 3 पैडल्स यहाँ पर ABC पैडल देखने मिल जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके पीछे की सीट पे। तो अब हम आ गए इसके पीछे की सीट में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसे डोर की। तो यहाँ पर भी आपको वही सिंपल आपको क्रोम डोर हैंडल देखने मिल जाता है, यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विच, और यहाँ पर आपको जो ये यहाँ पर कोई भी कुशनिंग आपको ऑफर नहीं की गई, यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक देखने मिलेगा, यहाँ पर आपको 1 लीटर बोतल होल्डर देखने मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक स्पीकर की प्लेसिंग देखने मिलेगी। तो कुछ इस टाइप का ओवरऑल आपको पूरा डोर यहाँ पर देखने मिल जाता है। साथ ही एक सेफ्टी फीचर जो यहाँ पर ऑफर किया गया है, यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक देखने मिल जाता है, आप देख सकते हैं, मतलब इस टाइप से यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक देखना मिलेगा। अगर आपने इस स्विच को यहाँ पर इस टाइप से कर दिया है, तो अगर आपने दरवाजा बंद कर लिया तो आपका जो चाइल्ड है वो अंदर से इस दरवाजे को नहीं खोल सकता, सिर्फ आप ही बाहर से इसको खोल सकते हैं। तो हम इस लॉक को हटा देते हैं एक बार और चलते हैं इसके अंदर। तो अब हम आ गए हैं पीछे की सीटों में। तो पीछे की सीटों में आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको रियर पैसेंजर्स के लिए कैबिन लाइट देखने को मिल जाती है, हेलोजन में आपको यहाँ पर कैबिन लाइट देखने को मिलेगी। साथ ही जो एक बहुत ही लग्जरी फीचर यहाँ पर आपको ऑफर किया गया है, मतलब इस प्राइस रेंज में भी आपको यहाँ पर एक लग्जरी फीचर यहाँ पर ऑफर किया गया है कि पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी आपको यहाँ पर AC के वेंट्स ऑफर किए गए हैं। मतलब आप देख सकते हैं प्राइस रेंज के हिसाब से गाड़ी कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑफर फीचर्स ऑफर किए गए हैं वो काफी लग्जरी यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पर आपको AC के वेंट्स देखने मिल जाते हैं, साथ ही इनके जो सेटिंग है वो नोब है ये वो भी यहीं पर देखने मिलेगी, मतलब पीछे के पैसेंजर्स अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी साथ बात करें इसके लेगरूम की, तो आप देख सकते हैं मैंने इस सीट को बिल्कुल पीछे कर लिया है,
इसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आपको लेगरूम देखने मिल जाता है, मतलब काफी अच्छा यहाँ पर आपको स्पेस देखने मिलेगा। हेडरूम के मामले में जैसे कि सेडान क्लास कार है तो हेडरूम आप ज्यादा इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पर छह फुट का बंदा भी बिठाना है, 6 फुट का अगर इंसान है तो उसका भी हेडरूम उसके लिए भी काफी डिसेंट है। तो और साथ ही बात करें यहाँ पर पीछे आपको 2 डोर हैंडल्स देखने मिल जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो व्हील कवर है इस गाड़ी के साथ ऑफर किए जाते हैं वो यहाँ पर आपको व्हील कवर देखने मिलेंगे। जो इसमें एक सबसे डिसअपॉइंटिंग एक चीज और है वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको मिडल हम्प यहाँ पर ज्यादा बड़ा देखना मिलता है, लेकिन पीछे फिर भी 3 बंदे बैठने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये जो मिडल हम्प है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको अच्छा और स्पेस देखना मिल जाता। इसी साथ कंफर्ट वाइज बात करें तो पीछे की सीटों में भी आपको मैं दिखा देता हूँ आर्मरेस्ट यहाँ पर ऑफर किया गया है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट ऑफर किया गया है जिसमें आपको काफी अच्छी कुशनिंग देखना मिलेगी, और साथ ही यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स ऑफर किए गए हैं, और साथ ये काफी स्पोर्टेड है, मतलब ये नहीं कि कुछ गाड़ियों में नीचे झुक जाता है, ये सिस्टम नहीं है, ये काफी स्पोर्टेड है, एक्चुअल पोजिशन पे है ये। तो इस टाइप का पूरा यहाँ पर आपको इंटीरियर देखने मिलता है। पीछे से भी आप देख सकते हैं कि फ्रंट का इंटीरियर काफी अट्रैक्टिव लगता है, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का पूरा यहाँ पर आपको इंटीरियर देखने मिल जाता है। साथ ही जो पीछे की सीट है वो काफी रिक्लाइंड है, मतलब जो आरामदायक सीट होती है वो है, तो ज्यादा बड़ी जर्नीज में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल आराम से आप बहुत ही अच्छी जर्नीज कर सकते हैं। एयरबैग्स आपको इसमें 2 एयरबैग्स देखने मिल जाते हैं सेफ्टी के मामले में, तो ये भी काफी अच्छा है कि 2 एयरबैग्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी से बाहर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो मारुति सुजुकी डिजायर के अंदर और बाहर के सारे फीचर्स और सारी डिटेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलता रहे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और एक चीज और कि अगर आपको भी मारुति सुजुकी अरेना की कोई भी गाड़ी परचेज करनी हो और आप भी हिसार या हिसार के आसपास के एरिया से हैं तो आप मारुति सुजुकी शोरूम हिसार में सरोगी ऑटोमोबाइल्स दिल्ली सिरसा रोड पर विजिट कर सकते हैं या आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है और एड्रेस हम आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साथ ही आपको अपनी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनसे आप बात कर सकते हैं, काफी अच्छा आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का यहीं पर समाप्त, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।